एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जान दर्द, फिर भी रहती है खफा खफा। सहरी का वक्त हो गया, उठ के सहरी बनाओ। तो होने दो ना, तुमने कौन सा रोजा रखना है? क्यों, मैं रोजा नहीं रख सकती। हाँ तुम बिल्कुल रोजा नहीं रख सकती, तुम तो अपने पेट में सिर्फ बर्गर पिज्जा और शॉर्मा ही रख सकती हो, या फिर अपने बैग में लोगों का कैश, या फिर बुरी नियत। रोजा तो तुम कभी रख ही नहीं सकती। मैंडी सुबह सुबह ना मेरा दिमाग ना खाओ और जाकर सहरी बनाओ। अब सहरी में ना पराठे बना लेना, ऑयल कम लगाना और उफ, बहुत ही गर्मी है। गर्मी तूने तो आज हद ही कर दी। सॉरी, अब बैठे। क्यों, आपको जल्दी ख्याल आ गया? जी। वाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह इंटीरियर तो बहुत ही खूबसूरत है। जी थैंक यू। वैसे ये सब मैंने सेट किया है। अच्छा खैर छोड़ें, और मुझे ये बताएं कि क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? नहीं नहीं, मेरा रोज़ा है। सैंडी का ही नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? ओह, अपने कमरे में होगी ना, उसका अभी आज रोज़ा है तो नमाज़ पढ़ी होगी। अच्छा बैठे, मैं आपके लिए कुछ ले के आती हूँ। मैंने आपको बताया है कि मेरा रोज़ा है। ओह अच्छा अच्छा, लगता है मैंने तुम्हें कुछ सदा ही आज रोज़ा लग रहा है। चलिए आप बैठे, मैं सैंडी को बुला के लेके आती हूँ, ठीक है? सैंडी, ओहो क्या बदतमीजी है, क्या कर रही हो ये गाने सुन रही हो और क्या कर रही हूँ? रोजे की हालत में बना कोई म्यूजिक सुनते हैं? तुम ना ज्यादा मेरी उस्तानी बनने की कोशिश ना करो। मैंने बस सहरी की थी, रोजे की नियत नहीं की थी। पता था मुझे। क्या पता था? यही जैसे हमारे यहाँ हर नाजायज काम को जायज बना के पेश किया जाता है, बिल्कुल तुमने भी वैसा। अच्छा बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर इफ्तारी बनाओ। इफ्तारी? दिन के 12 बजे कौन सी इफ्तारी होती है? अच्छा तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करने दो। निकलो, ये रेस्ट ना बाद में करना, नीचे आओ ड्राइंग रूम में, सुहाना तुमसे मिलने आई है। क्या, सुहाना आई है? जी बिल्कुल, अब जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। इतने दिनों बाद मुलाकात, सो हैप्पी। इतने दिनों बाद ही सही, आ तो गई, तुमने तो कॉल करके भी नहीं बताया कि कहाँ हो, कैसी हो और क्या चल रहा है। यार ये सब छोड़ो, तुम बैठो तो सही। बस यार क्या बताऊँ, आजकल रोजा होता है तो रेस्ट करती रहती हूँ। तोबा, अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई रोजों में तो शैतान कैद होते हैं, तो फिर तुम अस्तगफार क्यों कर रही हो? मिस्टर शैतान कैद होता है ना, मिसिस शैतान तो नहीं? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। यार छोड़ो, तुम किससे उलझ रही हो, इसको तो वैसे बकवास करने की आदत है। तो मुझे ये बताओ कि आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? बस यार इधर पास बस्ती में मुस्तहिक लोगों में कुछ राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो सोचा लगे हाथों तुमसे भी मिलती चलूं। माशाल्लाह, इतनी नेक खातून और इसकी दोस्त। अरे, शुक्र है तुम्हारे उस कंजूस मियां को भी कोई हदायत हो गई। वो तो तुम्हें भी सकती है वैसे, अगर तुम बंदे की पुत्र बन जाओ। बस हो ही गई, वो और मैं मिलकर एक छोटी सी एनजीओ चला रहे हैं। वाओ दैट्स ग्रेट, इस एनजीओ के तहत तुम लोग कर क्या रहे हो?
इस एनजीओ के तहत हम घर से फरार बच्चों को ढूंढकर इन्हें वापस भिजवाते हैं और नादार और मुस्तहिक लोगों की हेल्प ही करते हैं। फिर तो तुम लोग रमजान में फ्री राशन और ईद के मौके पर कपड़े वगैरह भी तकसीम करती होगी। हाँ हाँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, अब सब लोग तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकते ना। मैंडी, अब अगर तुमने अपनी चोंच हिलाने की कोशिश की ना तो मैं जूतों समेत तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगी। थिएटर का जुगत, और वो भी बिल्कुल फीकी। यार यार, तुम लोग कमाल के कैरेक्टर्स हो, लड़ते भी हो और एक दूसरे की जान भी। अब जान भी। अब तुम बताओ और क्या चल रहा है। यार ये जोड़ा बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया? कौन है? शायद मेरा बहन है। कौन है? मैं समझी कि वो हॉरर मूवी की कोई बदरू है। कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें बदरू नजर आ रही हूँ? हाँ बिल्कुल, क्या इससे पहले तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं? नहीं। और छोड़ो ये, क्या छोड़ो, किसी को छोड़ो तुम। सॉरी सैंडी, आओ मैं तुम्हारा सर भी दबा देती हूँ और हम दोनों बैठ के मूवी देखते हैं। क्या ये मूवी देखने का टाइम है? जाकर इफ्तारी बनाओ, तुम क्या दिन में अंधेरा करके बैठी हुई हो? लेकिन मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया है। बाहर से ऑर्डर कर लिया? और मैं? तुम? क्या मतलब, तुम्हारा कौन सा रोजा है? तुम बाद में खा लेना। ठीक है, तो फिर मैं सुहाना के साथ ना डिनर पर जा रही हूँ। क्यों, उसने तुम्हें इनवाइट किया है क्या? नहीं, उसने इनवाइट तो नहीं किया, मैं खुद जा रही हूँ। खुद जा रही हूँ, लेकिन क्यों? वो आकर बताऊंगी, तुम्हारे तो सवाल ही नहीं खत्म होते। सर भी तोड़ दिया मुझे। अच्छा ठीक है, अब दुल्हन बनने की ख्वाहिश नहीं, सिर्फ आवाम की खिदमत ही करना चाहती हूँ। हीरा जी का ट्री। अब और कितनी बार दुल्हन बनना है हीरा जी, पहले ये तो क्लियर कर लें, आप असल में दुल्हन हैं किसकी? सरकारी स्कूल में गधों की बारात। हाँ, तफसील के मुताबिक अंजुन शहर के एक सरकारी स्कूल में एक गधे की शादी, शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। क्या? जिसमें इलाके के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और स्कूल की इमारत को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया। अच्छी बात है, कौम के ममारों का ना सही, कम से कम मुल्क के गधों का मुस्तकबिल तो रोशन है। गेट खोलो, जल्दी करो। ओके। सैंडी, ये सब क्या है? चुप करो। भाई ये जरा सामान तो अंदर रखवा दे। तुम मेरा क्या मुंह देख रहे हो, तुम भी रखो सामान, जल्दी करो। पहले बताओ तो सही, ये है क्या? बता देती हूँ, चुप करो। 20 किलो दाल चना, 10 किलो घी और मसूर कितना था? 10 किलो। सैंडी तुम ये क्या कर रही हो, ये तो हम गरीबों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाए हैं ना, तो इसे काउंट क्यों कर रही हो? किसने कहा कि ये सामान हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें? जाहिर सी बात है, तुम ये सुहाना से लेके आई हो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम ये फ्री में ही बांटेंगे ना। उससे तो ये सामान हम फ्री में लाए हैं, लेकिन हम इसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले। क्या मतलब सैंडी, ये बहुत गलत कर रही हो तुम। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, कम से कम मुस्तिक लोगों के हक में डाका तो मत डालो, वो भी रमजान के इस मुकद्दस महीने में। इस मुकद्दस महीने में ना हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा 2 नंबरी होती है। तो क्या मतलब हम लोग भी बुराई का साथ दें? मैंडी ये सामान हम आधी कीमत में बेचेंगे, आप बताओ कोई भी इतना ज्यादा सामान आधी कीमत में देता है भला? आधी कीमत में? लेकिन जो भी है सैंडी, तो मेरी बात ये क्यों नहीं समझना चाह रही हो कि राशन रमजान में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या लिस्ट बनवाओ मेरे साथ, और ये सामान भी काउंट करो, और ड्राइंग रूम में जो सामान पड़ा है वो बाहर लगाओ।
ताकि हम अपने सस्ते बाजार का सेटअप लगाएं। हाँ देखना, देखो चीनी कितनी है। चीनी इतनी देर लगा दिए, कहाँ थी? वो बस दो तीन काम थे, वो निपटा के आई। अब ऐसे भी कौन से काम थे? एक तो वो सस्ता बाजार का बैनर बनवाना था, और दूसरा मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ जो तुमने दालों में, चीनी में और जो बाकी मसाला जाता है ना उसमें मिक्स करनी है, जो अभी तक पैक नहीं हुए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अब मैं तुम्हारे कहने पे मिलावट का काम भी शुरू कर दूं? नहीं नहीं, मिलावट नहीं बेबी, सिर्फ मिक्स करना है। इसमें फर्क क्या हुआ? गधे को डोंकी कहने से उसका जेंडर तो नहीं बदल जाता ना? चुप करो मैडी, एक तो मैं पहले ही बहुत थकी हूँ, ऊपर से तुम मुझे बेजार कर रही हो। बेजार? सैंडी कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है यार। सुना है मैंने, लेकिन फिर भी किसी पे असर नहीं होता। मैं इनकी नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, बातें तो करते हो लेकिन इसके खिलाफ कभी आवाज उठाई है? यार आवाज उठाती तो हूँ, बाकी की तो खैर है। तुम पहले मुझे ये बताओ, ये जो तुम मिलावट कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है ये जो इतवार बाजार में और रमजान के सस्ते बाजारों में चीजें लगाई जाती है, इनका स्टैंडर्ड और क्वालिटी क्या एक नंबर होता है? हाँ बिल्कुल, मैंने पैकेट पे लिखा, अपनी आंखों से खुद देखा है यार। इन बाजारों में जो चीजें होती है ना वो एक्सपायर होती है, और ये जो चैनल वगैरह पे दिखाते ये सब बकवास होता है। बस एक दो शॉप सील करते हैं, उसके बाद चल सो चल, चल सो चल। यार सैंडी ये जो कुछ भी है, लेकिन अगर सुहाना को पता चल गया कि उसने जो सामान हमें मुस्लिम लोगों को मुफ्त में तकसीम करने के लिए दिया था, वो हम असल में मुफ्त में नहीं, वो हम उन्हें सेल आउट कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैंडी। देखो सुहाना अपनी फैमिली के साथ ईद स्पेंड करने दुबई चली गई है, तो जब तक वो आएगी तब तक रोजे भी गुजर जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। और वो अब एक लफ्ज भी नहीं, जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ और जो काम कहा है ना वो करो। यार मेरा रोजा है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये गुनाहगार काम, मैं नहीं कर सकती। देखो मैंडी जब अगले साल रोजे आएंगे तो हम इस साल के रोजों की माफी मांग लेंगे। पता है मुझे, तुम जैसे गुनाहगार लोगों को ना जहन्नुम की आग में ना रोस्ट किया जाएगा। हाँ हाँ सच्ची बात करो तो हर किसी को कड़वी ही लगती है। अब क्या करूं यार, ओफो छोड़ो मैंडी, कर ही लो यार। बस भाई बस, अब मुझसे और नहीं होता। ये बस बस करना बंद करो और जाओ मेरे लिए जूस बना कर लाओ। सॉरी मैं तुम्हारी अब किसी भी शैतानी एक्टिविटी में ना कुछ भी नहीं करने वाली। क्यों? मैंने तुम्हें जूस बनाने को कहा है, डांस करने को तो नहीं कहा। उठो किचन में जाओ और खुद ही बना के पी लो। क्यों? तुम्हारा रोजा है तो और नहीं क्या? अब क्या अपनी तरह समझ रखा है मुझे भी? ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी जुम्मे को रोजा रखना है। ओ दिन डुब्बा जो तो कोड़ी चढ़िया कुब्बा। नाम अलैकुम। आप कौन है? तुम्हें गेट चौट चपट खुले पे ने एक डेर आराम ना बैठिया ने, कोई फर्क ही नहीं पैन दिया। ओ जी कोई चोर डाकू अंदर आ जावे तो फिर? एक मिनट इधर आओ जरा। कौन है भाई आप, और ये मुंह उठाकर कहां चली आ रही है? ओ भाई जी ए मुंह मेरा अपना जाती है, ते किसी होर ने तो नहीं लेके आना, मैं आना ते इन्हें भी नाल ही आना। देखिए आंटी अगर आप कोई जुकात वगैरह लेनी है। ओ ना जी ना, मैं कोई जुकात नहीं लेना ही, तुसी मैनू लल्लू पंज समझे होए। ओ मैं आप एक जाती चिंग चिंग रिक्शे दी मालक हां, और मेरा एक वखरा बिजनेस भी है। बिजनेस? कैसा बिजनेस? ओ जी मैं पुरानियां रजाइयां नु नवियां करके बेचनी हां। अच्छा तो फिर हमारी भी ले ले। ये कैसा बिजनेस है? आजकल हर पासे यही बिजनेस है, ते एडा तू चुम्मी वरगा मुंह क्यों बनान दे? चुम्मी वरगा मुंह? अच्छा सॉरी, ये बताएं कि आप यहाँ कैसे? ओ जी मैनू मैडम शाजिया ने भेजा है। अच्छा क्या नाम था आपका? ओ जी एक मिनट।
ऐसी जी मेरा इंट्रोडक्शन। अच्छा तो आप अली सफर हैं? ओ ना जी। नहीं बेवकूफ, ये छन्नू है, छन्नू। ओ अच्छा अच्छा ये छन्नू है, ठीक है। तो फिर शाजिया ने आपको ये तो बताया होगा कि आपने हमारे लिए करना क्या है? हाँ जी, उन्होंने मैंने सब कुछ दसिया है। तो ऐसे मेरे वास्ते किसी ने की करना है? मैंडी 2000 रुपये देना। 2000? लेकिन मरी क्यों जा रही हो? दे दूंगी, दे दो। ये लो। ये ले। जी ये पूरा 2000 दिया है मैंने आपको, ठीक है? और यहाँ कस्टमर्स की ना लाइन लग जानी चाहिए, और अगर लाइन ना लगी तो मैं आपसे 2000 एक रुपया करके वसूल करूंगी। बस जी तड़ा काम समझो हो गया। ये हुई ना बात। सैंडी ये क्या कर रही हो? ग्लासेस लगा कर भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं नाश्ता कर रही हूँ। पता है मुझे, और मुझे सब नजर आ रहा है कि तुम नाश्ता कर रही हो, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस भूल गई हो। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? मैं यही कि तुम फ्राइडे का रोजा रखोगी। हाँ तो पहले फ्राइडे तो आने दो। ये चेक करो, देखो आज क्या है। ओह तो आज फ्राइडे है। जी बिल्कुल। और तुम, एक मिनट। हेलो जी जी। अच्छा कौन से चैनल से? सही, अब लेकिन जो टाइम आप बता रहे हैं वो तो मुझे सूट नहीं करेगा, तो आप ऐसा करें कि 2 बजे आ जाएं। ओके डन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चैनल से आ रहा है लेकिन कौन? ये क्या कर रही हो तुम? अभी तक तैयार नहीं हुई? क्यों? यार मैंने तुम्हें बताया था आज चैनल से कुछ लोग आ रहे हैं हमारी कवरेज और इंटरव्यू के लिए। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी यार मेरे जहन से निकल गया था। ओ घोड़ियां ते काठियां पा लो, गड्डियां स्टार्ट करा लो, ते इत्थों नसन वाली गल करो। क्या आंटी आप इतनी घबराई हुई क्यों है? गल तो बड़ी घबराने वाली है जड़ी मैं तुम्हें दसन आई हूं। मैडम जी ताडे सस्ते बाजार दी चीजा खा के कई ते लोकी और कई दे बच्चे बीमार पै गए ने, और डॉक्टर कहंदे ने कि ऐस सस्ते और कटिया खुराकां खान नाल ऐ सब कुछ होया है। मैंने तुम्हें कहा था ना, देखा क्या हुआ? तुम तो चुप करो, पहले मुझे उनकी बात तो सुनने दो। मैं तानू यही दसन आई हां, हुण तुसी जानो ते ताडा काम, मैं ते चली। सुहाना तुम यहाँ? तुम तो दुबई चली गई थी ना? जाना था लेकिन प्रोग्राम बदल गया, अच्छा ही हुआ क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो तुम लोग की असलियत मेरे सामने कभी ना आती। मेरी बात सुनो सुहाना, वो मैं अफसोस, बड़ी अफसोस की बात है कि तुम जैसे लोग माह रमजान के इस मुकद्दस महीने में भी नाजायज मुनाफाखोरी, मिलावट और झूठ बोलने से बाज नहीं आते। वो मैं बताती हूँ तुम्हें। वो तुम्हारी बात सुनकर मैं ये समझी थी कि तुम्हारे दिल में भी गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारा शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है जो इस बाबरकत महीने में इसकी बरकतें समेटने के बजाय हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों का हक मारते हैं, जिनकी मदद करना हमारा माशर्ती और दीनी फर्ज है। मैंने से कहा था बुराई का साथ देना भी बुराई ही कहलाता है। मैंडी मेरा इसमें क्या नुकसान हुआ क्या नहीं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि तुम लोग कभी मेरी फ्रेंड्स थी। रॉडनी दिखा तुम्हारी वजह से मुझे क्या सुनना पड़ा। बकवास बंद करो और इससे पहले कि बस्ती वाले यहाँ पहुंचे भागने वाली करो। अंदर ये दोनों, पकड़ लो इनको। उफ सैंडी आप क्या करेंगे, क्या करना बेवकूफ, भागो।